भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ प्रमोद कृष्णन की अमर्यादित टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि यह शिवराज नहीं प्रदेश के लाखों भांजे और भांजियों का अपमान है। कांग्रेस प्रमोद कृष्णन पर प्रतिबंध लगाए। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि क्या रतनपुरी के मामा कमलनाथ ऐसी ही भाषाओं का संरक्षण करते रहेंगे। सुनिए क्या कहा भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने। कांग्रेस ने जब अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये स्टार प्रचारक जब कोई भाषण बयान या विज्ञप्ति दें, पत्रकारों से बात करें तो उनके व्यक्तिगत विचार मानकर पल्ला मत झाड़ना, जवाबदाही लेना। और कल जिस प्रकार मुरैना जिले में कांग्रेस के ही स्टार प्रचारक प्रमोद कृष्णन ने जो अभद्र भाषा, गंदी भाषा, विकृत सोच से उपजी भाषा का इस्तेमाल भाषण में किया है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में, और प्रदेश के लाखों भांजे भांजियों का अपमान किया है जो उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया करते थे, इसके कारण उनको मामा का संबोधन दिया गया, वो बताएं क्या ऐसी भाषा की निंदा वो करते हैं? स्वयं भारत निर्वाचन आयोग में शिकायत करेंगे, कार्रवाई करेंगे, उनको बैन लगाएंगे कि वो मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की सभा ना करें, कांग्रेस बताए? या रतनपुरी के मामा श्रीमान कमलनाथ जी ऐसी ही गंदी भाषा को प्रमोट करते रहेंगे, संरक्षण देते रहेंगे? भैया, रमेश भैया आए, खेत की बखंडी कर दी है, ट्रैक्टर का किराया देना है। तेरी भाभी को बोल दे। भाभी, भाभी, वो ये लो भैया, सुनार के यहाँ रख कर दे दो पैसे। ओ भोली भाली, गिरवी रख के नहीं चुकाने हैं, जेब से निकाल कर देने हैं। किसान निधि शिवराज ने 4,000 बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए। अब छोटे मोटे खर्चों के लिए कर्ज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हाँ भाभी, जब जब जरूरत होती है ना तो विश्वास रहता है कि एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। इतना महंगा दे रहे हैं, अरे हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। जी जी, ये तो मेरा धंधा है, पर तुम्हारा सोचने के लिए तो सरकार है। वो कैसे? शिवराज सरकार फिर आ गई प्रदेश में। अब जैसे तुम्हारी जरूरत का हर सामान यहाँ है, वैसे ही शिवराज को मजदूर के जीवन से लेके मरण तक का हर पल का ध्यान है। शिवराज भैया आ गए तो फिर शुरू हो गई संबल। अब वही जाते हैं और जाकर अपना संबल कार्ड ढूंढते हैं कि पिछली सरकार ने तो सब बंद कर दिया था। अब वही जाते हैं। जी जी, कार्ड संभाल के रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। हाँ भैया, हर गरीब को भरोसा है एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। जो मामा प्रदेश की लाडलियों को जन्म से ही लक्ष्मी बनाता आया हो, वो कन्यादान से कैसे पीछे हट सकता है? ये शिवराज की सोच और भाजपा का समर्पण है जिसने 15 साल में लाखों बेटियों का जन्म से विवाह तक साथ निभाया। बस बीच के 15 महीनों में कांग्रेस ने झूठे वादों से हमारी बेटियों के साथ मक्कारी की, 51,000 का वादा किया और फिर पल्ला झाड़ लिया। 15 महीनों में एक भी बेटी को कन्यादान का पैसा नहीं मिला, पर अब मामा की सरकार वापस आ गई है। गरीबों के चेहरे की चमक भी साथ लौट आई है। वो भाजपा ही है जो हर गरीब को राशन और मकान के साथ मान और सम्मान भी देती है, वादा करती है तो वादा निभाती भी है। हमें तो भरोसा है एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। इस साल जहां एक ओर प्रदेश में बम्पर फसल हुई, वहीं दूसरी ओर देश में लॉकडाउन लग गया, पर फिर भी प्रदेश का किसान संतुष्ट है। और वो केवल इसलिए कि अब शिवराज सरकार है। कोई और सरकार होती तो अब तक खलिहानों में पड़ा गेहूं सड़ गया होता। पर शिवराज मामा ने कहा था, एक एक दाना गेहूं सरकार खरीदेगी। इस बार हमारे मध्य प्रदेश ने पूरे देश में गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया है और मेरे खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि भी आ चुकी है।
किशन भैया कहाँ चल दिए बंठन के? बिटिया का लगन है, बाजार जा रहे हैं। कठिनाइयाँ जितनी ज्यादा बढ़ती उससे ज्यादा सरकार आगे बढ़ती। हमेशा भरोसा रहता है कि एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।